Dear trainees, Assalamu Alaikum. In today's lesson, we are going to see how to make a default invoice which we can reuse any number of times that we want to. In our, in our previous lessons, we have gone through various methods of generating an invoice, generating multiple invoices, and creating different types of invoices. In this particular lesson, वी आर गोइंग टू सी हाउ टू मेमराइज एंड इन वॉयस मेमराइज एंड का मतलब ये होता है कि हम एक ख़ास तरह की इन को अपने पास सेव कर लेते हैं और उसे बार बार इस्तेमाल करते हैं जैसे कि पिछले लेसन में आपने पढ़ा था कि हम मल्टीपल इन्वाइस एक ही टाइप की बहुत सारे कस्टमर्स के लिए एक वक्त में ग्रुप के थ्रू बना सकते हैं रीज़न बींग कि एक ही टाइप की एक ही अमाउंट की इन अगर हम अपने सेट टाइप ऑफ क्लाइंट्स या कस्टमर्स को भेजना चाह रहे हैं तो हम उसको एक ही दफ़ा डिज़ाइन करें और उनको एक किस्म के ग्रुप में सेट कर दें बार दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट या कस्टमर्स नहीं होते और जो होते हैं उनको एक ही पर्टिकुलर टाइप की इन्वाइस हमें बार बार हर महीने या हर पीरियड के बाद भेजनी होती है इसकी मिसाल ऐसी है कि आपके पास एक फ्लैट या बिल्डिंग है जिसमें आपने हर फ्लैट मुख्तलिफ किराए पर चढ़ाया हुआ है और ये किराया आप अपने मुख्तलिफ किराएदारों से हर महीने वसूल करते हैं तो बजाय इसके कि आप हर महीने एक इन्वाइस क्रिएट करें क्यों ना हम एक सेट पैटर्न पर वॉइस क्रिएट कर दें जो कि बारह महीने तक वैलिड हो बारहवें महीने के बाद जैसे कि आम तौर पर होता है हम उसको रिवाइज कर लेंगे और इन बारह महीनों के दौरान हमारा सिस्टम ख़ुद खुद बखुद ये इन्वाइस जनरेट करता जाएगा जैसे कि मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताया हमेशा कंप्यूटर का और सिस्टम का काम होता है आपको फैसिलिटेट करना जितना ज़्यादा आप ऑटोमेट करेंगे जितना ज़्यादा अपने लिए आप इन्वायरमेंट बेहतर करेंगे उतनी ही सहूलत सिस्टम आपको देगा लेकिन इसके लिए आपको एक दफ़ा उसको समझना चाहिए और उसको सही तरीके से रजिस्टर और सेटअप करना चाहिए आइए आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक ही इनवॉइस जो पीरियोडिकली हम अपने एक पर्टिकुलर कस्टमर क्लाइंट के लिए क्रिएट करते हैं वो रिपीटेडली किस तरीके से हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े तो वो हमें किस तरह ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट करेगी लेट्स गो ओवर टू क्विक बुक्स जैसे कि आपको पता है कि हमारा काम हमेशा होम पेज से शुरू होता है तो स्टार्टिंग फ्रॉम आर होम पेज वी आर गोइंग टू गो ओवर टू आर इन वी आर गोइंग टू क्रिएट एन इन आप यहाँ से भी इन क्रिएट कर सकते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन सबसे कन्वीनियंट ये है कि जब आपके पास होम पेज खुला हुआ है तो आप कहीं ना जाएं आप होम पेज पे सीधे इन वॉयस क्रिएट करें इन वॉइस में सबसे पहले हम एक कस्टमर को चूज़ करते हैं अब हमने इस कस्टमर को अगर चूज़ कर लिया है तो हम चाहेंगे कि इसके लिए एक ऐसी इन वॉयस बनाएँ जो रिकर्सिवली बार बार इस्तेमाल होती जाए इस कंपनी को हम एक सेट पैटर्न पे हर महीने इंस्टॉलेशन सर्विसेज देते हैं और हम इसके लिए एज अ थर्ड पार्टी काम करते हैं इससे हमारा एक माहा हुआ हुआ है और हम इससे हर महीने एक ही अमाउंट लेते चले जाएंगे जो कि कुछ यूं है भले ये काम हो या ना हो लेकिन हमने उससे यही पैसे हर महीने बिल करने अब जब हम ये एक इन्वायस बना लें तो हम ये चाहते हैं कि हर महीने ये ऑटोमेटिकली इन्वाइस बनती चली जाए जब हम ये इन बना लें और हमें ये पता भी चल जाए कि हमने ये इन्वायस रिकर्सिवली बार बार इस्तेमाल करनी है तो हम इसे सेव करें और सेव करने के बाद एडिट में जाएं। एडिट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन है और उसका नाम है मेमोराइज इन्वायस हम इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे जैसे ही आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं आपके पास इस इनवॉइस का जो डिफ़ॉल्ट या जो टेम्पलेट आप सेव करवाना चाह रहे हैं वो आपको इसका नाम पूछता है अप्रोप्रिएट ये है कि हम क्योंकि ये ख़ास पर्टिकुलर अपने क्लाइंट के लिए ये इनवॉइस रिकर्सिवली बनाना चाह रहे हैं तो हम उसके नाम के साथ ही कुछ ना कुछ ऐड कर दें हमारे कस्टमर का नाम है बेकर और हम उसको इस्तेमाल करते हुए बेकर इनवॉइस के नाम से इसको हम सेव कर रहे हैं अब आप नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास तीन ऑप्शन आ रही हैं पहली ऑप्शन है ऐड टू माई रिमाइंडर लिस्ट दूसरी है डू नॉट रिमाइंड मी तीसरी है ऑटोमेट ट्रांजेक्शन एंट्री सबसे पहले तो हम इनमें से देखते हैं कि डू नॉट रिमाइंड मी का क्या मतलब डू नॉट रिमाइंड मी मुझे याद ना दिलाना याद रहे कि हमें ये इनवाइस एक टेम्पलेट के तौर पे सेव करना चाह रहे हैं इस ऑप्शन से क्या होता है पहले हम वो देखते हैं और उसके बाद इसकी रिप्रिकेशन देखेंगे हमने जो चीज़ इसकी बनाई है उसका नाम है बेकर इन्वास जो कि उसके क्लाइंट के कस्टमर के नाम से एसोसिएटेड है और जो हमने ऑप्शन चूज़ की है वो है डू नॉट रिमाइंड मी या मुझे याद ना कराना हम ओके okay करते हैं और ये हमारी इनवॉइस जाके सेव हो गई है मेमोरी में अगर हमें ये चीज़ें देखनी है तो हमें जाना पड़ेगा लिस्ट में जब आप लिस्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएंगे उसमें है जी मेमराइज ट्रांजैक्शन लिस्ट इसमें हमने जितनी अपनी इन्वासेज मेमोराइज कराई हैं वो मौजूद होंगी अच्छा आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी सबसे आखिरी मेमराइज इन्वाइस थी या डॉक्यूमेंट थी वो सबसे ऊपर नजर आ रही है इसे आप डबल क्लिक करें और हमारे पास वही इनवाइस दोबारा से खुल के सामने आ जाएगी अब याद रहे कि ये इन जब भी हम चाहेंगे हम बना सकते हैं और इसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन एक जो अहम चीज़ मैं आपको इधर दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि ये बेकर इन है जो कि एक कस्टमर के नाम के एसोसिएटेड है दूसरी इसकी टाइप इन है और तीसरी इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी में लिखा हुआ है नेवर नेवर का मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली कभी नहीं बनेगी ना ये आपको प्रॉम्प्ट करेगी और ना ही ये आपको बताएगी कि मुझे आपने कब बनाना है ये डिपेंड करेगा कि आप कब चाहते हैं ये इन पर्टिकुलर इस्तेमाल करें अगर ये हमें बताएगी नहीं तो इसका फ़ायदा क्या है फ़ायदा ये होता है कि आमतौर पे हम एक नया जब कस्टमर या क्लाइंट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशन एक इन्वाइस मेमोराइज करवा देते हैं इस पैटर्न पे। और जब हम से उसके साथ काम शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है फ्रीकुन्सी क्या है तो हम इसी को अमेंड करके उस तरीके से इसे सेट कर लेते हैं जैसे हमारी मेन रिक्वायरमेंट थी तो so इनिशियली हम एक एज पर आर टर्म्स एंड कंडीशन एक इन्वायस बना के सेव कर लेते हैं और सब्सिक्वेंटली जब हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट है मच्योर होगा तो हम उसे एज पर फ्रीक्वेंसी प्रेफर्ड और एज पर कॉन्ट्रैक्ट उसको सेट कर लेंगे सो बेसिकली दिस इन्वॉयस टेम्पलेट इज फॉर इंश्योरिंग दैट वी हैव अ सर्टन डॉक्यूमेंट विच वी कैन यूज़ और यूटिलाइज वेनेवर वी नीड टू एज पर आर रिक्वायरमेंट विच हैज़ बीन सेटअप एज पर आर कॉन्ट्रैक्ट विथ आर कस्टमर और क्लाइंट इसको जब भी हमें इन्वोक करना है हम अपनी लिस्ट देखेंगे ट्रांजेक्शन्स मेमोराइज ट्रांजेक्शन्स की और जिस भी मेमराइज रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट को हम इन्वोक करना चाहें उसके ऊपर उसको हाईलाइट करके डबल क्लिक करेंगे जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास ये था कि वी कैन सेव अ टेम्पलेट विच इज़

आदमी के साथ एक कस्टमर के साथ एक क्लाइंट के साथ आपकी एक से ज्यादा टाइप की इन हो इन दैट केस आपको वो ऐड करना पड़ेगी लेकिन जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस हम इस वक्त पिछली अपनी मेमोराइज्ड इन को रिप्लेस कर रहे हैं नाउ दिस टाइम द नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी आर गोइंग टू टेक इट एड टू माई रिमाइंडर लिस्ट जब भी आप ये ऐड करेंगे हमारे पास राइट right हैंड पे दिए गए ऑप्शन खुल जाएंगे और वो पूछेगा हमसे कि कितनी दफ़ा किस पीरियड के साथ मैं आपको इन्फॉर्म करूँ कि ये इनवॉइस बनानी है तो इसका जवाब यहाँ मौजूद है इसमें वो आपसे सारे ऑप्शन आपसे पूछता है हम उसे ये कहते हैं कि फॉर द टाइम बिंग दिस इन्वाइस इज़ गोइंग टू बी जनरेटेड मंथली ये हर महीने बना करेगी और इसको अगली जो ये डेट है जब ये बनेगी वो है फर्स्ट ऑफ जनवरी हर महीने बनेगी फर्स्ट ऑफ जनवरी को अगली इसकी डेट है बनने की जब ये डेट आएगी आपको सिस्टम खुद ब खुद ही प्रॉम्प्ट करेगा कि नाउ इज द टाइम टू तो क्रिएट दिस इन और ये इन बनी हुई आपके सामने आ जाएगी अभी जो हमने इन बनाई है उसमें आप देख सकते हैं सिर्फ एक आइटम है शायद एक आइटम आपको इतना तकलीफ ना दे रहा हो लेकिन जहाँ एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड आइटम होंगे वहाँ आप खुद सोच लें कि हमें पूरी इन स्क्रैच से ऊपर से लेके नीचे तक फिल करनी पड़ेगी इन दिस केस वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू टेल द सिस्टम टू मेक दिस टेम्पलेट एंड मेक इट अवेलेबल टू अस एंड प्रॉम्प्ट अस ऑन द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ अब हमने उसे बता दिया कि ये हमारी जो इन है ये अब हर महीने की पहली तारीख को बना करेगी आइए लिस्ट में देखते हैं कि ये जो हमने चेंज की है वो किस तरीके से बनी है आप जो बेकर इन्वॉयस हमने नई बनाई है वो आप देख सकते हैं कि वो मंथली बेसिस पे हमें बन के दिखाया करेंगे और दूसरी चीज ये है कि ये अगली जो डेट है वो भी हमें नजर आ रही है आइए हम एक और इन्वॉइस क्रिएट करते हैं और इसमें हम तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं कि वो कैसे होगा हम मंथली बेसिस पे इनसे लेबर के चार्जेस भी लिया करेंगे और उसके भी हमने इसमें एक एडिशनल पॉइंट डाल दिया अब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है आइए इसको भी हम सेव करते हैं और एक तीसरी बनाते हैं जिसको हम लिख देते हैं टू आइटम्स ताकि हमें पता चल सके कि इसमें हमने दो आइटम डालें और ये वो एंट्री है जो थर्ड पार्ट है जो कि इसमें मेरे लिहाज से सबसे बेहतर है क्योंकि हम इसमें बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं सबसे पहली चीज़ ऑटोमेट ट्रांजेक्शन एंट्री दूसरी चीज़ हम इसे बताते हैं कि ये मंथली बननी है अगली जो ये बननी है उसकी डेट हम दे सकते हैं हम ये भी बता सकते हैं कि अब मजीद कितनी बननी है जब हमने मंथली दे दिया पहली तारीख दे दी तो याद रखे कि मंथली का मतलब है कि इसके बाद अगली अगले मंथ में उससे अगली उससे अगले मंथ में और उससे अगली उससे अगले मंथ में ऑटोमेटिकली बनती चली जाएंगी लेकिन हमने ये बतानी है कि अब रिमेनिंग कितनी है रिमेनिंग का मतलब क्या है जरा ये समझने वाली बात है हो सकता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 12 महीने का हो और 12 महीने के बाद रिन्यू होता हो और रेंटल कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे इसी तरह से होते हैं बारह महीने के बाद उसमें कोई ना कोई चेंज आ जाता है हो सकता है कि टेन परसेंट इंक्रीज आपने लागू करना हो या अगर आपने मिड ईयर से ये कॉन्ट्रैक्ट किया है तो छः महीने के बाद इसे रिन्यू होना हो। बहुत से लाइसेंसेस ऐसे होते हैं जो कि फॉर वन फिस्कल ईयर होते हैं अगर वो एक फिजिकल ईयर के लिए है और आपका फिजकल ईयर एंड होता है जून 30 को अगर आपने मार्च में वो लाइसेंस रिन्यू कराया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका लाइसेंस चार माह और चलेगा और जून 30 को एक्सपायर हो जाएगा और आपको दोबारा से लाइसेंसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी ये तमाम चीज़ें देखते हुए हमें सिर्फ बताना है कि ये रिमेनिंग कितनी दफ़ा मज़ीद ऑटोमेटिकली क्रिएट हो इन दिस केस हम कहते हैं कि ये छः दफ़ा मज़ीद क्रिएट होनी चाहिए दूसरी चीज़ हम इसे कहते हैं कि ये बताएं कि ये अपने ड्यू डेट से कितने दिन पहले बन के तैयार हो जाए या हमें प्रॉम्प्ट करे कि इसे बनाना चाहिए हम कहते हैं इसे दो दिन पहले मुझे बता दिया करो कि ये बननी है डेज इन एडवांस टू एंटर तो ये ऑटोमेटिकली अगर हमने पहली तारीख उसे कहा हुआ है तो पिछले महीने की ये हमें तीस तारीख को और अगर तीस का महीना है तो उनतीस तारीख को प्रॉम्प्ट करेगी इसको हम ओके करके सेव करते हैं और अपनी लिस्ट में इसको चेक करते हैं अब हमारे पास बेकर इन्वाइस टू आइटम्स नज़र आ रहा है ये मंथली इन्वायस है और ऑटो जनरेटेड है ऑटो जनरेटेड का मतलब है कि अब हमने इसे बताना नहीं है ये खुद ब खुद ही बार बार रीजनरेट होती रहेगी कितनी दफ़ा बनेगी ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये मज़ीद छः दफ़ा और बनेगी और रुक जाएगी जैसे कि आपने देखा कि हमने एक इन्वाइस मेमोराइज करवा ली एक टेम्पलेट सेव करवा दिया इसे हम बार बार री कर सकते हैं लेकिन याद रखें कि ये वाला जो हमने सेव किया है उसकी ऑप्शन ये है कि ये हमें प्रॉम्प्ट नहीं करेगा प्रॉम्प्ट अगर नहीं करेगा तो हमें याद रखना है बल्कि हमने लिस्ट में चेक करना है कि क्या कौन कौन से ऐसी इन्वाइसेज हमने मेमोराइज या सेव कराई हुई हैं उनके टेम्पलेट्स और फॉर्मेट्स जो कि हम रीयूज़ कर सकते हैं और इसकी मैंने आपको रीज़न भी बताई थी कि क्योंकि ये अभी एक्टिव रनिंग में नहीं आई इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट हमारा फॉर्मेलाइज नहीं हुआ है लेकिन हमारे साथ एक एसोसिएट हो गया है कस्टमर या क्लाइंट तो हमने उसके लिए एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशन जो हमें याद है हमने एक चीज़ बना ली है वी कैन वेन वी वॉन्ट टू इसको बेहतर करके हम ये कर सकते हैं कि इसके साथ ही हम एक इन्वाइस ऐसी बना लें जो रिकर्सिवली हम इस्तेमाल कर लें दिस इज़ फॉर आर बेसिक मेमरी ओनली वी कैन गो एंड लुक एट द लिस्ट And see which of the invoices we have saved for future reference. In next lessons, we are going to see how to improve these templates and use them recursively. Thank you.